हेलो फ्रेंड्स, इज नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मार्केट के अंदर जो एनालिसिस हुआ था कल, जो हम आपको बताया था वो एकदम परफेक्ट तरीके से आज भी काम किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल जो हम आपको समझाए थे, उस सबको हम पहले आपको बता देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। कल हमने आपको मार्केट का इस जोन के बारे में बताया था जो आपको 51,750 का था। इस जोन पे मार्केट एग्जैक्ट जो है यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन मतलब ऊपर की तरफ गया, कल का जो है लो तोड़ने की कोशिश किया, फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। ऊपर भी हम आपको बताए थे कि 52,000 जब तक पार नहीं करता है वब तक आपको मार्केट के अंदर कॉल साइड की तरफ बनाने का टारगेट नहीं बनाइएगा, क्योंकि 52,000 जब पार करेगा उसके बाद ही आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर फॉल किया और एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने के लिए मिला। तो कल ये चीज आपको समझ में आए। एक चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं और वो दिखाना भी चाहते हैं कि कल के जो मार्केट होगा उसमें आपको किस तरह से काम करना है। देखिए, मार्केट जो क्लोजिंग दिया है वो मार्केट आपको क्लोजिंग दिया है 51,555 पे। अब यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखेगा। एक तो आपको 51,600 का राउंड फिगर नंबर है जो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, पहली चीज। तो इसके नीचे में आपको क्लोजिंग दिया है, मतलब मार्केट इसके नीचे बंद किया है, तो कहीं नहीं कहीं इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर मौजूद होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो देखिएगा कि जो भी सेलर यहाँ पे 52,500 पे बैठे हुए हैं वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में, यहाँ पे जो भी सेलर बैठे हुए हैं वो सेलर अभी अच्छे खासा प्रॉफिट में, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। तो यहाँ पे जो बायर्स गए थे उसको भी इसने निकाल के यहाँ पे निकाल दिया है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप आइएगा तो नीचे साइड में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बायर्स मौजूद थे इस जगह पे, ये जो जगह है इस जगह पे जो बायर्स मौजूद थे 51,200 पे, इसको कहीं ना कहीं ये ड्रा कर 51,300 तक लाया था, तो मार्केट से इसने निकाल दिया। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है मार्केट के अंदर से अगर आप देखेंगे तो, कि बायर्स तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बायर्स जो है यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ये बाइंग जो हुआ है तो इसी का बायर्स आपको मौजूद होंगे, बाकी इसके अलावा यहाँ पे बायर्स मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 51,500 के नीचे कल मार्केट रहता है, 51,500 के नीचे अगर आपको मार्केट आता है, तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत बायर्स होंगे उसका एसएल हंट करके ये मार्केट आपको 51,200 तक देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 600 का ब्रेकआउट देता है, तो 600 का जैसे ही ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि इसका जो मैन है या फिर गैप अप के साथ हो जाएगा 51,700 के बाद ये कॉल साइड में एक अच्छा खासा पोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो इसलिए देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो बाय सेलर्स है, जो यहाँ पे आपको सेलर्स दिख रहे हैं, अगर ये मार्केट यहाँ तक आ जाता है गैप डाउन या जैसे भी 51,700 तक, तो यहाँ तक टारगेट ये बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका एसएल यहाँ पे मिलेगा, नीचे एसएल तो है नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 600 के ऊपर अगर ये थोड़ा टाइम यहाँ पर बिताने के बाद अगर फ्लैट में खुलता है और 600 के ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या फिर गैप अप अगर हो 50 से 100 पॉइंट का तो इसके ऊपर मार्केट जाने के चांसेस होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि क्लोजिंग दिया है 51,600 के नीचे, इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर होंगे, तो यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। एक तो ये चीज़ है आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाया आपको। इसके अलावा एक चीज़ आपको और दिखाना है कि यहाँ पे आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न बना है, या फिर आप जिसे कहेंगे डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। ये एक बॉटम हो गया, दो बॉटम हो गया, तो यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो यहाँ पे आपको मार्केट 51,600 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट निकलने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 51,600 का ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अब जो है निफ्टी का हम लोग देख देते हैं कि निफ्टी में किस तरह से कल एसएल हंटिंग किया जाएगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो है यहाँ पे हमने कुछ लाइंस वगैरह लगाए हुए हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, निफ्टी जो है आपको 24,238 पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ पे बायर्स थे पिछले डे के,
वो बायर्स को कहीं ना कहीं इसने ये जो फॉल आया उससे देकर ये निकाल दिया। तो यहाँ पे एक चीज मेरे एनालिसिस के हिसाब से बायर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बायर्स निकल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेलर्स वही चीज है जो हमने आपको उधर भी बताया कि सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट में है और अच्छा प्रॉफिट में है, तो इसको अभी आप टारगेट फौरन नहीं बना सकते हैं जब तक एक अच्छी रैली आपको नहीं दिखे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो मार्केट कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर साइडवेज बना हुआ है, तो इस चीज़ का भी ख्याल कर सकते हैं, ठीक है। आप टारगेट क्या लेना है कि जैसे यहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हुआ तो जब तक ये 24,238 है, 24,300 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो ये कॉल साइड का पोजीशन चांसेस नहीं है। जब ये अगर 24,300 के आसपास में ये मार्केट अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके भी मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर इसके ऊपर अगर निकालता है तो इसको एक अच्छा खासा एसएल मिल सकता है यहाँ पे जहाँ से मार्केट आज फॉल किया है। उम्मीद तो नहीं है यहाँ तक जाने का, लेकिन ये 24,300 का जो है रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिर सकता है। या फिर कल ये होगा कि मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर 24,200 के आसपास में अगर मार्केट खुलता है या इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट अभी आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा। खास के 24,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर आपको सेलिंग साइड का एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि 24,200 के नीचे मार्केट को आने दीजिएगा, जब 24,200 का नीचे आएगा तो इस रेजिस्टेंस के लेवल को आप ब्रेक करने दीजिएगा। अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो इसको ब्रेक करने दीजिएगा, उसके बाद मार्केट के अंदर आइएगा। अपर साइड में 300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, इसको ब्रेक करके निकलता है, तो समझ लीजिए कि अच्छा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसको रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, समझ में आया हो तो। ये एसएल हंटिंग का पूरा प्रोसेस है जो हम आपको बताए हैं, समझाए, कुछ इस तरह से प्लान बनाया जाता है। तो जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।